10 घंटे 8 घंटे ही काम करते हैं, तो नॉर्मल 25,000 तो 30,000 तो नॉर्मल है, 25-30,000 नॉर्मल सैलरी है, इतना तो बंदा आराम से निकाल लेता सर। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए कंपनियों के बारे में बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। तो सर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब लगवाया भी है अलग अलग कंपनियों में अलग अलग लोकेशन के लिए। हमारी ये दूसरी मीटिंग है और दूसरी वीडियो आ रही है, और बहुत अच्छा लगता है सर से मिलकर। और जैसा कि मुझे पता है कि भाई जॉब कितनी मुश्किल होती है जॉब पाना, आज के रेट में जॉब के नाम पर लोग 1,000, 2,000, 3,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन IPS एक ऐसी फर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब लगवा रही है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाइए। बस एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। और IPC कंपनी कैसी चल रही है सर? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, हर साल कम से कम 100 या 200 बंदों को हर पर मंथ ज्वाइनिंग कराते हैं। 100 से 200 पर मंथ, पर महीने, पर बंद नए बंदों को हम जॉब की हायरिंग देते हैं। तो सर अभी हम किस कंपनी के लिए बात करने वाले हैं? अभी मैं, जैसे कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, आज ना मेरा फोकस है वैसे ओनली बाइकर्स के लिए, जो कि अभी आप देखते हैं ऑनलाइन का इतना बड़ा काम आ गया है इंडिया के अंदर कि ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आज मैं उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन अपने छोटे भाइयों के लिए बात करना चाहता हूँ जो बाइकर्स में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बाइकर्स की जॉब पसंद करते हैं। और क्यों बाइकर्स की जॉब पसंद होने का रीज़न एक और भी है, कहीं भी आप ना कहीं भी जाइए 15-20 हज़ार सैलरी जो भी आती है, ये सिंपल आती है, लेकिन इस लाइन में जो सैलरी है ना वो आपको 30-35-40 हज़ार तक भी लड़का उठा लेता है जॉब पर महीने, पर मंथ की सैलरी उठाता है। बस उसके अंदर ना एक मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, एक वो मेहनत करना जानता हो और कुछ नहीं है। और हमारे पास ना पूरे पैन इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनी है, जैसे कि हमारे पास बात करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ग्रोफर, जोमेटो प्लस, डोमिनोज, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है एक्सप्रेस बीज जिसके साथ हम आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, और कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं पैन इंडिया में। अगर कोई भाई अगर ऐसा है कि जो नोएडा में रहता है तो उसको नोएडा में जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा है कि जिसे बैंगलोर में रहता है तो उसे बैंगलोर में जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा है कि जो हैदराबाद में रहता है तो उसे हैदराबाद में जॉब मिल जाएगी, उसे जहाँ चाहेगा उस लोकेशन में उसे जॉब मिल सकती है। आज तो ये हमारे पास जॉब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके नियर बाई जिस लोकेशन पे आप हो, अगर हम बात करें आप बैंगलोर हो, आप पुणे हो, आप मुंबई हो, आप महाराष्ट्र हो, आप अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, कहीं भी आप हैं पैन इंडिया, इनके पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप इनके पास बस कॉल करना, बताना अपना आप किस लोकेशन से हो, तो प्रॉपर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन हाँ, जो करने वाले बंदे हैं वही कॉल करना भाई, टाइम पास मत कर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायत आ रही है कि सर रात के 12 बजे कॉल कर रहे हैं, सर रात के 2 बजे कॉल करें, तो ऐसा ना करें यार। अब मैं टाइमिंग बता देता हूँ कॉलिंग का, 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप कभी कॉल कर लो। मुझे पता है कि जब आपको आधी रात की वीडियो सामने आती है तो आप तुरंत उसी टाइम कॉल कर, लेकिन आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल जॉब के लिए और वैकेंसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आधी रात किसी के पास कॉल करोगे तो उसे भी लग रहा है ये टाइम पास के लिए करे, और आपको कुछ बोल भी दे कि यार आप टाइम नहीं देख रहे, तो उस हिसाब से कहने वाला काम ना करो। तो अगर हम बात करें इसमें कोई एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती सर? नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो गवर्नमेंट का एक रूल्स है 18 साल का कम से कम बच्चा होना चाहिए, इतना कम से कम एज होनी चाहिए 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका 50 तक एज चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस बच्चा काम करने का काबिल होना चाहिए। मतलब हाँ, पढ़ाई का भी इसमें कोई ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए कि हाँ जी ग्रेजुएट चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, अगर वो 10th पास भी है और अच्छे से कोई एड्रेस पढ़ लेता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एड्रेस पढ़ना, कि किसी के घर पर जाकर कोरियर देना है तो उसका एड्रेस पढ़ना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। एक बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस और बस एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए, उसको जॉब मिल जाएगी। इसमें क्या वर्क क्या करना होता है, जैसे अगर बात देखो डिफरेंट कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, ग्रोफर हुआ, अमेजोन हुआ, इस सब में अलग, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करते तो इसमें कोरियर वगैरह जो भी घर पर शॉपिंग का ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग मंगाते हो, तो वो अपने घर पे जाके शॉपिंग का माल देके आना होता है। ऐसी अगर हम जोमेटो की बात करते हैं तो फूड डिलीवरी होती है, आप घर पे खाना मंगाना चाहते हो तो खाना आ सकता है। ऐसी अगर हम डिफरेंट होता है कि कोई भी, जैसे डोमिनोज हम कह रहे हैं, जुबिलेंट बोल रहे हैं, तो डोमिनोज में क्या पिज्ज़ा आप घर पर ऑर्डर करना चाहते हो तो पिज्ज़ा आपके घर पर ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, तो इस टाइप का सब प्रकार की जॉब है हमारे पास। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसे कि अभी जो आपकी मेन पावर काम कर रही है अलग लोकेशन के लिए, वो अगर बात करें महीने की अर्निंग कर लेती है, लेकिन मोटी मोटा ज़्यादा ऐसा नहीं, शीट वगैरह देख के ना ऐसे मोटी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल भी ऐसा करना कि बहुत कम काम करना चाहता है ना, वो भी 15,000 तो आराम से निकाल लेता है। जो बिल्कुल ये चाहता है कि यार मैं बहुत कम काम करूँ, अपना आराम से करूँ, ज़्यादा नहीं करना, और अच्छे से अच्छा मेहनती वाला बंदा जो हमारे 50,000 तक भी लिमिट है। अभी हमारे फ्लिपकार्ट में हमने देखा कि हमारे 70-70 हज़ार रुपये सैलरी निकाली है बच्चे ने, लेकिन उसके अंदर सुबह मेहनत करना होता है, 7:00 बजे लगता है, रात को 8 बजे तक काम करता है। हाँ जी, लेकिन अगर मान लीजिए सर 10 घंटे 8 घंटे ही काम करते हैं तो नॉर्मल 25,000 तो 30,000 तो नॉर्मल है, 25-30 हज़ार नॉर्मल सैलरी है, इतना तो बंदा आराम से निकाल लेता है सर। पैकेट
पैकेट आप मिलता है कि सैलरी नहीं? इसमें दोनों में डिफरेंट होता है, पर पैकेट भी होता है, सैलरी भी होता है। लेकिन सैलरी देखो कोई भी कंपनी, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, कोई भी बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, कोई भी, सब ना एक अपना एक मार्केटिंग करके चलते हैं। उनको ना अगर वो पैकेट यहाँ पे सैलरी बना के चलते हैं, तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ सैलरी में कोई बेनिफिट नहीं है। सैलरी ना अगर आप 50,000 का काम करोगे ना, आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 25,000 रुपये मिल जाएगी, 20,000 सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ आप पर पैकेट पर काम करोगे, तो आपको जितना आप काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। कंपनियाँ बहुत तेज, कंपनियाँ भी ये सोच के चलती है कि यार हम अपना बंदा अगर 40,000 काम करा तो उसको हम 20,000 सैलरी बोल के चलते हैं, अगर कम से कम लॉस भी करेगा तो 20,000 तो दे ही देंगे, कोई सुनिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि पर पैकेट बेस पर करना चाहिए। यहाँ पे क्या पर पैकेट का रेट है? पर पैकेट ना हर कंपनी का अलग अलग डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो 16 रुपये 17 रुपये का रेट चलता रहता है। ऐसे हम बिग बास्केट की बात करें तो 50 रुपये ऑर्डर का रेट चलता रहता है। बास्केट 50 रुपये पर पैकेट, 50 रुपये पर ऑर्डर देता है, वो ग्रोसरी का होता है। ऐसे हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो भी हमारा 40-50 रुपये का ऑर्डर मिल जाता है इसमें। और अगर इसमें डोमिनोज की बात करें पिज्जा की, तो पिज्जा की डिलीवरी ना बहुत ज़्यादा होती है, हर आधे घंटे में देते रहते हैं, तो इसमें 25-30 रुपये पर ऑर्डर मिलता है। देखो मैं कह रहा हूँ किसी का भी रेट ऊपर नीचे जो रेट है वो इसलिए है कि उसका ना वॉल्यूम उसको इतना ही मिलता है, ऑर्डर उसको इतना ही मिलता है। जहाँ फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो एक लड़का आराम से 100 ऑर्डर आराम से मार देता है। अगर बिग बास्केट की बात करते हैं तो 25-30 ऑर्डर पर डे मार देता है। तो वही सेम उसी के यहाँ पे कंपनी वालों ने रेट रखा हुआ है, जैसे कि लड़का आराम से 40-50 हज़ार रुपये आराम से निकाले अगर मेहनती है तो। लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब ये अगर मान लीजिए 40 रुपये पर पैकेट भी है तो उसने अगर 10 पैकेट नहीं 20 पैकेट करते, 4 दिन में 400, मतलब 800 रुपये पर डे का तो हो ही जाएगा, 20 पैकेट भी कर लेता है। बिल्कुल 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 800 रुपये, मतलब 24,000 आराम से आपका हो गया। मैं 24,000 है बिल्कुल। फ्यूल का सब उसी में ऐड रहेगा ना? हाँ फ्यूल का उसी में ऐड होता है। फ्यूल का कितना लगा अगर मैंने कैलकुलेशन करा भी अपनी टीम के साथ, मेरी भी खुद के बंदे आज के टाइम में 700 लड़के काम कर रहे हैं जो डिलीवरी बॉयज काम कर रहे हैं पैन इंडिया में, तो हमने देखा भी फ्यूल का ज़्यादा नहीं, 50-70 रुपये का एवरेज आता है पर डे का। लेकिन उसको मेंटली लगता है कि नहीं जी फ्यूल का अलग मिलना चाहिए। फ्यूल का अगर अलग मांगोगे तो कंपनी बहुत तेज है, कंपनी उसी को माइनस करके उसमें फ्यूल का अलग दे देगी, अलग दे देगी। मैं अपने भाइयों को कोई गलत अपडेट नहीं करना चाहता, जो है सिंपल बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं कहा कि मैं आपको लेकर कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ, आपसे पैसा लेना चाहता हूँ, आपसे 1,000-2,000 रुपये कमा लूँगा, मुझे ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है। मैं सिंपल आपको सिंपल पहले इसलिए बता के चल रहा हूँ जिससे कि आपके साथ कोई ऐसा गलत अपडेट ना मिले, कल कोई मेरी टीम है कोई ऐसा ना बोले कि आपने ये बोला था वीडियो में और आज आप सब है। आप जैसे आप करते हो, आप एक सच पे काम करते हो, वही सच वाली बात है कि आपका मैं नाम खराब नहीं है कि हाँ जी हम गलत अपडेट देते टीम को और वो गलत आपको कल को पता चले। अच्छा शंकर जी एक बात बताएं, क्या नाम बताया? ईश्वर जी। ईश्वर, ईश्वर जी एक बात बताएं, ईश्वर जी जैसे मान लीजिए जिन हमारे कैंडिडेट के पास बाइक नहीं है तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी सर? हाँ मैंने इसीलिए मैंने ये लास्ट टाइम देखा भी, दिक्कतें भी फेसिंग आई थी कि बाइकों के लिए बहुत ऐसे, जैसे हमारे बिहार में भाई है, छोटे भाई हमारे बिहार में है या मतलब उड़ीसा में है या बहुत जगह है, तो वहाँ पर उनके पास ना बाइक का इशू है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसी लिए एक डोमिनोज कंपनी में टाइप करा, जिससे कि डोमिनोज में क्या है कि आपको किसी को बाइक की जरूरत नहीं है वहाँ, बस ओनली आपको बस लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपको बाइक कंपनी बाइक देगी, प्लस आपको क्या कहते हैं फ्यूल का पैसा कंपनी देगी, आपको ओनली बस बाइक मिलेगी, फ्यूल भरा हुआ मिलेगा, बस आपको डिलीवरी करके आना है बस। तो उसमें भी पर पैकेट ही रहेगा? पर पैकेट रहेगा। लेकिन आपका लाइसेंस होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस लाइट भी चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो लाइट भी नहीं, लाइसेंस चलता है, लर्निंग भी चल जाएगा। हाँ लर्निंग भी चल जाएगा उसमें। तो सर इसमें मैं जो नंबर दूंगा इस नंबर पर कॉल पिक होगी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अपने भाई को कह रहा हूँ 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी आप कॉल करिए, कॉल आपका पिक होगा और उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको जी। तो जो भी हमारे भाई कैंडिडेट इच्छुक हैं काम करना चाहते हैं अलग लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आप हैं उसी के नियर बाई में अगर काम करना चाहे, देखो यार कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ये है कि बस ये ठान लो कि हमें कुछ करना है भाई। जब जमीन पे काम करोगे तभी एक बार ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। मैं छोटे की बात बता देता हूँ, ये एक ऐसी लाइन है जिसमें मैंने खुद, मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, जो MBA करे हुए BTEC करे हुए लड़के इस लाइन में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर जॉब सैलरी मिलती है कितनी मिलती है 30,000-35,000, वहाँ वो ना उतना तो पार्ट टाइम में, यहाँ 15-20 हज़ार तो पार्ट टाइम में कमा लेते हैं। मेरे जितने कितने भाई ऐसे जो MBA BTEC करके इस लाइन में जॉब कर रहे हैं। हाँ ये कोई काम छोटा नहीं है, काम आपको माइंड में लेके हुए, लेकिन काम ऐसा है कि आज के टाइम में इस नंबर वन काम है इंडिया के अंदर ऑनलाइन का, और ये ना एक ऐसा बिजनेस है कि ग्रोथ ही होना है इसमें फ्यूचर में, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका ज़्यादा। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, बाकायदा आप कॉल कर सकते हैं, अपना नाम नंबर एज क्वालिफिकेशन भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर कॉल पिक नहीं हो रहा है तो। ये जॉब बिल्कुल निशुल्क होगा, किसी प्रकार से कोई भी चार्ज कोई पैसा आपको नहीं देना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद, वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नए नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।